में आपको ब्लॉकेज फील हो रही है, हेडेक हो रही है, आंख में दर्द हो रहा है, आंखों के आगे वाला जो ये एरिया होता है ये आपका स्वेलअप हो रहा है, एक चीज़ की जगह आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, डबल विजन, रेडनेस, आंख आपकी लाल हो रही है, विजन आपको ऐसे लग रहा है आपकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, आपको आंख बंद करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और खोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फेशियल नमनेस, आपको एक तरफ फेस के कुछ भी फील नहीं होगा, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, उसके बाद चबाने में भी आपको तकलीफ़ हो रही है और मुँह खोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। इसलिए रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर हुए हैं वो अपना रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें, पूरे फेस का को एग्जामिन करें डे लाइट में कि कहीं कोई ब्लैक स्पॉट्स तो नहीं है, फेस पे स्वेलिंग तो नहीं है, फेस पे यानी नोज़ को भी चेक करें, चीक्स को भी चेक करें, आँखों को भी चेक करें, ब्लैक डिस्कलरेशन तो नहीं है, और कहीं पे फेस पे टच करने से पेन महसूस तो नहीं हो रहा, दर्द महसूस तो नहीं हो रहा, और यहाँ पे लूजनिंग ऑफ टीथ, टीथ के बीच में गैप या लूजनेस आपको महसूस होगी, या जो हमारे माउथ का अपर पार्ट होता है, रूफ होता है, वहाँ पे अगर आप टॉर्च से देखेंगे तो ब्लैक स्पॉट्स आपको कुछ दिखेंगे जिनको हम कॉलोनीज, फंगल कॉलोनीज कहते हैं। टीथ, पैलेट और टॉर्च लाइट से इसको देखो, अगर आपको जहाँ तक नज़र आता है कुछ ब्लैक इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, अदरवाइज म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो इस तरीके से इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो अब क्या किया जाए अगर इतनी ये प्रॉब्लम है? तो देखिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ब्लड शुगर, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखें, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेते रहें, कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्टीरॉइड्स ना लें, कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो डॉक्टर के पास जाएं, इमीडिएटली कंसल्ट करें, आँख में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है अपने आँख के डॉक्टर के पास जाएं। ओके, रेगुलर अपनी मेडिसिन जो है वो खाते रहें। फिर आप MRI, CT स्कैन अगर आपको डॉक्टर बताता है प्रीनासल, साइनसेस या ऑर्बिट पे, डॉक्टर के एडवाइस पे ये भी करवा सकते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट्स खुद भी जागरूक रहें, सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें, फेस को जैसे मैंने आपको बताया ओरल नेजल जो है टॉर्च से ये भी एग्जामिन करते रहें, क्योंकि देखिए न्यूज़ हमको लेटेस्ट डेटा क्या बता रहा है, 90 पीपल हैव डाइड ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, 90 लोगों की डेथ हो गई है म्यूकोरमाइकोसिस से महाराष्ट्र में, और राजस्थान में भी अराउंड 100 केसेस हैं इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो ब्लैक फंगस एक एपिडेमिक जो है वो घोषित कर दिया है स्टेट में, ताकि लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तेलंगाना ने भी ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज बोल दिया है, पंजाब ने भी नोटिफाइड डिजीज बोल दिया है। और उसके बाद देखिए, कोई भी वैक्सीन नहीं है जो म्यूकोरमाइकोसिस को प्रिवेंट कर सकती है, और ना ही हम सांस लेना रोक सकते हैं, क्योंकि स्पोर्स आपको नज़र नहीं आएंगे आंखों से, हम इनहेल करेंगे, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड ब्रीथिंग इन फंगल स्पोर्स, तो हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते। इसलिए इसको जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें अपनी अवेयरनेस से, जो भी आपको अपने फेस में, स्पेशली ये बात देखिए हर किसी को नहीं होगा, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, इनकेस आपको कोविड नहीं हुआ है, मैंने हाई रिस्क पेशेंट्स आपको बताए हैं, आपके घर में है, आपके पड़ोस में कोई है, आपका कोई रिलेटिव है, तो आप उनको अवेयर कर सकते हैं हाई रिस्क कैटेगरी वालों के लिए, कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि टाइमली क्लिनिकल इंटरवेंशन हो पाए। तो देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट किया था म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ब्लैक फंगस पे, ये पिक्चर्स मैं आपको अलग अलग दिखाती हूँ, कि वॉच आउट दिस सिम्टम्स, ये बता चुकी हूँ मैं आपको ये सारे सिम्टम्स, बट जस्ट इन पिक्टोरियल फॉर्म आप देख सकते हैं, रेडनेस ऑफ आइज, फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड वॉमिट्स, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी सोचने समझने की शक्ति भी इसमें कम हो सकती है। डूज एंड डोंट्स हैं इसके, हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल कीजिए, ग्लूकोज लेवल अपने ब्लड का देखिए, स्टेरॉइड को ध्यान से यूज़ करें, जो वाटर है उसको स्टेराइल साफ पानी पीजिए, और ह्यूमिडिफायर्स यानी देखिए ऑक्सीजन थेरेपी में घर में लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे हुए हैं, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है, तो स्टेराइल वाटर यूज़ कीजिए। ओके, और स्टेराइल वाटर का मतलब है आप एकदम साफ पानी यूज़ करें, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन मत करें, डॉक्टर से पूछ के खाएं। डोंट्स, कोई भी वार्निंग साइन है तो उसको लाइटली मत लें, क्योंकि कोविड के केस में भी जम्मू कश्मीर में हमने देखा बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, क्योंकि
पेशेंट्स लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं जब हाथ से बात निकल चुकी है, क्योंकि शुरू में लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मौसम चेंज हो रहा है, हमको बुखार हो गया, खांसी हो गई, ये तो मौसम चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, कोई भी वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना है। ब्लॉक नोज और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट पिक्टोरियल फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है विद द, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है विद द रेफरेंस ऑफ फूड चेंज इन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मैंने माइकोसिस पे क्वेश्चन नहीं बनाया है, फंजाई पे बनाया है। ओके, बायोलॉजी के हिसाब से विद रेफरेंस टू फूड चेंज इन इकोसिस्टम, फंजाई विच इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, और लाइकन्स जो हैं इनको हम बायो इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, मैंने अपने वेरियस लेक्चर्स में आपको बताया है। और इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का, उनको हम लाइकन्स बोलते हैं। तो आप बताइए ओनली वन ओनली टू कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। अंकित सर की तरह हम लोग भी शुरू करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि MCQ हर लेक्चर में डाला जाए। नाउ आई एम ट्राइंग कि हम MCQs जो हैं वो इंक्लूड करें अपने लेक्चर्स में स्कोर इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो चलिए यही